महासभा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा टूंडला ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य वरिष्ठ समाज सेवी मोहर सिंह यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अजब सिंह यादव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामशंकर यादव ने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के साथ केंद्र सरकार द्वारा छेड़छाड़ और उनको अधिकार से वंचित किए जाने तथा मंडल आयोग की सिफारिशों को निष्प्रभावी करने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जाने का घोर विरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मोहर सिंह यादव ने की। संचालन प्रवेश उपाध्यक्ष अनवर सिंह यादव ने किया। आज का ये सम्मान समारोह उन छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा जो इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जनपद के जिन लोगों ने अपने समाज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज हित में योगदान दिया है उन्हें आज सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर राम कैलाश यादव को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सदस्य बनाए जाने, श्रीमती नीतू यादव के महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाए जाने का सम्मान किया। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार 24। अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम हुआ है, इसमें ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, जिसकी स्थापना हमारे जनपद के चौधरी श्याम सिंह यादव ने 1924 में की, उस समय से निरंतर हम लोग समाज के हित में काम करते चले। पिछले 2 वर्षों से जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज की प्रतिभाएं आगे आए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या सामाजिक क्षेत्रों में, या हम लोग किसी भी की मदद करने के क्षेत्र में। तो उसी कड़ी में आज हमने प्रतिभाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के 4 BCSU हैं, उनका सम्मान आयोजित किया गया, और हमारे जनपद के, आपने देखा होगा, डॉक्टर हिमांशु यादव जी, डॉक्टर राहुल यादव जी, डॉक्टर धनेन्द्र यादव जी, और भी 2-3 लोग नहीं आ पाए हैं डॉक्टर जो है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी हमारा समाज कहीं पीछे नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आप समझते ही, आप इस जिले के निवासी हैं, तो हमारे क्षेत्र में यादवों का राजनीतिक वर्चस्व बहुत काफी आगे था। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों के आशीर्वाद से, हमारे मंच पर प्रोफेसर अजब सिंह यादव जी भी हैं और गुरुदेव हमारे सुंदरवीर सिंह यादव जी हैं, इनके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं इनको प्रतिभाओं में निखार आए, इसलिए हम इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, जिससे कि इनका और हौसला अफजाए।